वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपने रीकैप कल के व्लॉग में देखा था कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और फिंगर में फिंगर फ्रैक्चर हो गया था मेरे, माइनर फ्रैक्चर। उसके बाद खाएगा ये मेडिसिन। तो उन्होंने थोड़ा सा प्लास्टर तो कर दिया है और इसको बोला कि एक महीने तक इसको रेस्ट करना है। तो है भी इसका राइट हैंड है ना, तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा? वो तो स्कूल में जाके पता लगेगा ना मैम, जो मैम इसकी मैम कंसर्न करेगी वही करना पड़ेगा ना, वो इसकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। तो आज स्वयं का पेपर हो गया कैंसिल क्योंकि इसके हाथ में हो गया फ्रैक्चर। अब इसको हो गई मोजे। फ्रैक्चर तो कब का हो रखा है? हाँ, फ्रैक्चर तो परसों का हो रखा है। कल का पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में ही लग गया। सुबह हम हॉस्पिटल गए थे, अपने रिपोर्ट्स चेकअप कराने के लिए गया था हॉस्पिटल, बट स्वयं का स्कूल से फ़ोन आ गया क्योंकि उसके हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो रखा था। उसकी मिडिल फिंगर में फ्रैक्चर है। सो मिडिल फिंगर पे प्लास्टर तो नहीं चढ़ाया, लेकिन अभी उन्होंने वैसे उंगली सीधी रखने के लिए पट्टी कर दी है और ये हमें टाइम टू टाइम चेकअप करवाना पड़ेगा। होपफुली उसकी फिंगर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अभी टिल देन मुझे उसको खुद ही स्कूल छोड़ के आना पड़ेगा। स्कूल में वो अभी उसके एग्जाम्स भी हैं और एग्जाम्स तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके फिंगर की वजह से, क्योंकि हैवी राइट हैंड में चोट लगने के कारण वो एग्जाम भी ठीक ढंग से नहीं दे पाएगा। होप फॉर दी बेस्ट, जल्दी रिकवर करे। सेकेंडली, कल का पूरा दिन जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल में लग गया था, तो मेरा रेस्ट डे हो गया, लेकिन रेस्ट डे नहीं था। और कल पूरा भागम भाग में मेरे 11,000 स्टेप्स के करीब मैंने कल कंप्लीट किए थे और वो हॉस्पिटल में ही हो गए थे। ऊपर नीचे आना जाना, और आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। सो आज मैं गाइस जा रहा हूँ जिम। एक मैंने वीडियो स्वयं केयर हेल्थ के ऊपर अपलोड किया है जिसमें मैं और नीलम दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। सेपरेट कर रहे थे, हमने सेपरेटली रिकॉर्डिंग की थी नीलम की और मेरी, बट उसको मैंने कंबाइन करके डाला है। नीलम को भी मेरे को अपना हेल्दी करना है, वेट लॉस उसका कराना है। वैसे वो हेल्दी है, सो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। दो दिन हो गए हैं सोमू को स्कूल की छुट्टियां करते हुए। तीन दिन हो गए हैं। तो मैम ने इसके पेपर, तो इसको बोल दिया है कि पेपर तो जब ये लिख ही नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, तो पेपर तो नहीं दे रहा है ये, पर इसको लर्निंग वर्क कराते रहो। और बाकी ये मेरे को पढ़ा रहा है बुक्स, मेरे को हिंदी में समझा रहा है क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक हो गई है। तो मैं इससे हिंदी में क्या समझने की जरूरत है आपको? तो मुझे समझ तो आना चाहिए ना कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। आपकी हिंदी इतनी अच्छी है? हिंदी तो अच्छी है ना, पर इंग्लिश मेरी पढ़ने में लर्निंग थोड़ा वीक हो गई है, तो उसको सुधार रही हूं। आपने क्या पूरी बुक पढ़नी है? हैं, पूरी बुक पढ़नी है? पूरी बुक तो नहीं पढ़नी, मैं दो दो पेज पढ़ देती हूँ कि जितने मेरे से पढ़े जाते हैं, तो मैं उतनी उतनी ट्राई करती हूँ।